नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जून, दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महागठबंधन या बीजेपी के साथ घर वापसी, इस दिन मुकेश सहनी करेंगे इसकी घोषणा। बीजेपी सांसद ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर किया यह दावा। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने बताया इस वजह से डरी हुई है बीजेपी। विपक्षी एकता को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं राजनीति से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चिराग के वजह से ऐसे छिन सकती है चाचा पशुपति पारस की सीट। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, जो जमुई से सांसद हैं, वे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अपने पिता के पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार चिराग ने बीजेपी से गठबंधन में हाजीपुर की सीट अपने लिए मांगने का मन बना लिया है। बता दें कि हाजीपुर का सीट पासवान परिवार के लिए काफी मायने रखता है, जहां चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान हमेशा इस सीट से जीतते आए हैं। तो वे वही अब इस सीट पर उनके भाई और चिराग के चाचा पशुपति पारस अपनी जीत दर्ज करवाते आए हैं। लेकिन अब जब जमुई सांसद चिराग हाजीपुर के सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो पशुपति पारस की सीट खतरे में चली जाएगी। वहीं यदि पशुपति पारस किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी हार तय है। महागठबंधन या बीजेपी के साथ घर वापसी, इस दिन मुकेश सहनी करेंगे इसकी घोषणा। बिहार में राजनीतिक दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच देखने को मिलेगा। बता दें कि महागठबंधन से कुल 7 पार्टियां शामिल हैं, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी किसके साथ जाएगी। इसे लेकर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति का बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 25 जुलाई को मुकेश सहनी घोषणा करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किसके साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन फिलहाल यह तय कर पाना मुश्किल है कि मुकेश महागठबंधन के साथ शामिल होंगे या फिर बीजेपी के साथ घर वापसी कर जाएंगे। पुल मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भाजपा ने किया यह ऐलान। हाल में ही बिहार में सुल्तानगंज अगवानी निर्माणाधीन पुल के टूटने की खबर सामने आई थी। पुल के टूटने को लेकर बिहार सरकार पर कई उंगलियां उठी। विरोधी दल इसे लेकर काफी बयानबाजी करते दिख रहे हैं। अब यह खबर सामने आई है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने वाले हैं। दरअसल भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल द्वारा घोषणा करते हुए कहा गया कि निर्माणाधीन पुल गिरने वाले मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा 9 जून को सभी जिला मुख्यालयों में सरकार का पुतला दहन करेगी। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल 12 जून को महामहिम राज्यपाल से मिलेगा और उनसे इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह करेगी। बीजेपी सांसद ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर किया यह दावा। बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले नेता आनंद मोहन के जेल से निकलने को लेकर अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से इसी कड़ी में बीजेपी के एक नेता द्वारा दावा किया गया है। बता दें कि यह दावा बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी द्वारा किया गया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बाहुबली नेता आनंद मोहन को उनके प्रयासों के कारण जेल से रिहा किया गया है। आनंद मोहन वर्षों से जेल की सजा काट रहे थे। मैंने उनके लिए अभियान शुरू किया जिससे उनकी रिहाई हुई। यह बिहार में मेरे अभियान की उपलब्धि है। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होंगे ये दिग्गज नेता। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक टलने के बाद अब यह बैठक 23 जून को होने वाली है। इस बार की जानकारी स्वयं जदयू अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार 23 जून को होने वाली इस विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव समेत और भी अन्य नेता शामिल होंगे। बता दें कि बैठक की इस तारीख का ऐलान सभी दलों की सहमति से किया गया है। इस बैठक का आयोजन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाना है। हालांकि 12 जून को जो बैठक होने वाली थी, इस बैठक की तारीख का ऐलान भी सभी दलों की सहमति से ही किया गया था, लेकिन बाद में कुछ दलों के प्रमुख के बैठक में अनुपस्थिति की खबर सामने आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक के दिन को आगे बढ़ा दिया है। विपक्षी एकता की कवायद पर सुशील मोदी ने किया यह दावा। एक बार फिर से विपक्षी एकता को लेकर चल रही कवायद पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार सबसे कमजोर हैं। ये मिलकर विपक्षी एकता की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों में से कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। इनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता के शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक का भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ के आम लोग शिकायत कर रहे हैं कि किसी भी सरकारी योजना में कम से कम 40% कमीशन देना ही होगा, नहीं देने पर कोई काम नहीं होगा। इसमें प्रशासन के लोगों से लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के हर स्तर के लोग शामिल हैं, इसलिए बिहार की सरकार 40% कमीशन की सरकार है। भागलपुर पुल बनाने
आने वाली सिंगला कंपनी को लेकर पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार में हुए भागलपुर पुल हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार से सवाल खड़े करते हुए कहा कि 8 राज्यों में सिंगला कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, तो फिर इस कंपनी को किन कारणों से टेंडर दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि इस पुल का टेंडर 600 करोड़ से शुरू हुआ और टेंडर 2700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इनमें किन किन अधिकारियों की मिलीभगत है, सरकार स्पष्ट करे। आगे उन्होंने पीएम मोदी से सवालिया लहजे में पूछा कि नरेंद्र मोदी से जानना चाहूंगा कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड के बाद भी केंद्र सरकार ने गुजरात में सिग्नेचर पुल बनाने का काम इस कंपनी को क्यों दिया, जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ ही भागलपुर में भी इस कंपनी को काम क्यों दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि मेरा यह सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद इस कंपनी को NHAI से अवार्ड क्यों दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है, यदि नीतीश का इस्तीफा होगा तो फिर NHAI के अधिकारियों को भी इस्तीफा देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 सालों से इस विभाग में BJP के मंत्री थे, नंदकिशोर यादव से लेकर नितिन नवीन तक रहे, इस दौरान जांच क्यों नहीं हुई। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। लोजपा के संगठनात्मक समीक्षा बैठक में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज 2 चल रहा है। नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज के खिलाफ बिहार की सत्ता को हासिल किया, आज उसी के गोद में बैठकर बिहार की सरकार चला रही है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी एवं सरकार की मिली भगत से बिहार में शराब की तस्करी हो रही, जिसमें जहरीली शराब से गरीब जनता मर रही है। सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज के टूटने पर उन्होंने कहा कि इस सरकार में बैठे मुख्यमंत्री के करीब पदाधिकारी एवं मंत्री की मिली भगत से ऐसी दुर्घटना बिहार में हो रही है। BJP नेता ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। हाल ही में हुई उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे और बिहार में भागलपुर के पुल हादसे की चर्चा करते हुए बिहार BJP के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी घटनास्थल पर जाकर खुद घायलों को निकलवाकर उन्हें इलाज कराने और हर संभव सहायता के लिए मौजूद रहे, तो वहीं बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ के बन रहे पुल हादसे पर घटनास्थल पर उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री जाना तो दूर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब पहली बार भाजपा के समय पुल गिरा था, उसी समय रहे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर जांच का आदेश दे दिया। बिना जांच कराया हुआ फिर से उसी कंपनी को बिहार के कई जगहों पर कार्य दे दिया। कर्नाटक जीत के बाद इन राज्यों पर है कांग्रेस की नजर। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव खत्म हुआ, जहां कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। अब इस जीत के बाद अन्य राज्यों में भी होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर मुख्य रूप से प्रियंका गांधी का फोकस रहेगा। मालूम हो कि पहले भी चुनावी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक रैली निकाल चुकी हैं। आने वाले 12 जून को प्रियंका गांधी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में भी एक रैली निकालने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी यहां जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं से चुनावी वादे के रूप में महिलाओं को 1500 रुपए की आय गारंटी वादे का ऐलान कर सकती हैं। वहीं चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भी वो रैली निकाल जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। तेजस्वी यादव ने बताया इस वजह से डरी हुई है BJP। तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता के कवायद की चर्चा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं को अभी से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर डर लग रहा है। अब 23 जून को पटना में विपक्ष की होने वाली बैठक से भाजपा और ज्यादा डर गई है। आगे उन्होंने कहा कि 23 जून को होने वाली यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 के पहले विपक्ष के एकजुट होने का यह बड़ा संदेश है। एक साथ 15 राजनीतिक दल आ रहे हैं, जो स्पष्ट संकेत है कि भाजपा को इससे डर लग रहा है। आगे उन्होंने बताया कि इस बैठक में न केवल 15 राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि इसमें तमाम दलों के शीर्ष नेतृत्व वाले नेता शामिल होंगे। कांग्रेस से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रहेंगे, तो अन्य दलों से भी उनके शीर्ष नेता रहेंगे। अचानक नीतीश से मिलने पहुंचे मांझी और उनके बेटे ने मुलाकात को लेकर कही ये बात। जीतन राम मांझी ने अभी हाल ही में अपनी पार्टी के लिए महागठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर 5 सीटों की मांग की थी। जीतन राम मांझी के इस मांग पर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है, बयानबाजी का सिलसिला जारी है। जीतन राम मांझी की यह मांग हर राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में बनी रही। अब इसी बीच CM नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए बीते दिन अचानक से जीतन राम मांझी आ पहुंचे। मांझी के साथ उनके बेटे संतोष सुमन और पार्टी के कई विधायक भी मौजूद रहे। CM आवास पर 1 घंटे तक चली इस मुलाकात को लेकर संतोष सुमन ने बताया कि हमने कार्यकर्ताओं की मांग 5 सीट को CM नीतीश के सामने रखा। इसके बाद इस पर जो भी बातें हुई वह सकारात्मक हुई है, लेकिन इस बारे में हम ज्यादा बताने की स्थिति में अभी नहीं है।
बीजेपी नेता ने कहा महागठबंधन विपक्षी एकता का निर्माण, घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार की नींव पर बिहार सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन विपक्षी एकता का निर्माण घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार की नींव पर कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि जनता महागठबंधन के कुशासन से मुक्ति चाहती है क्योंकि यह समझ चुकी है कि महागठबंधन की सरकार सुव्यवस्था से नई कुव्यवस्था से चलाई जा रही है। जनता के हितों को आए दिन बलि चढ़ाई जा रही है और जनता को त्राहिमाम करने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। विपक्षी एकता को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने कही ये बात। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली 23 जून के विपक्षी एकता की बैठक को लेकर दावा किया जा रहा है कि कई राज्यों से शीर्ष और दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एच डी देवगौड़ा ने भाजपा के खिलाफ चल रहे इस विपक्षी दल के एकता के साथ जाने के लिए अनिच्छा जताते हुए कहा कि मुझे कोई एक ऐसी पार्टी दिखाइए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से नहीं जुड़ी रही हो। पूरे देश में कोई एक ऐसी पार्टी दिखाइए तो फिर मैं जवाब दूंगा। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने चाचा भतीजे को लेकर कह दी ये बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने निशाना साधते हुए कहा कि अगुवानी पुल का कमीशन चाचा और भतीजा खाए और पुल गिरने का जिम्मेवार दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बताए। आगे उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर बिहार में एक ही अधिकारी को बिहार के सभी विभाग क्यों दिए जाते हैं। बता दें कि 62 करोड़ की लागत से बने गोकुल जलाश का जीर्णोद्धार करने बक्सर आए थे, जहां उन्होंने मीडिया से एक मुलाकात के दौरान तेजस्वी और नीतीश पर निशाना साधते हुए ये बातें कहीं। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद शाकिर हुसैन, रविशंकर, अनवर करीम खान, प्रतीक आनंद, राजकिशोर महतो, रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भागलपुर पुल हादसे में सीबीआई जांच कितनी जायज है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।